हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग मैट्रिसेस का आगे टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल है। तो उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने। लास्ट क्लास में हमने इनवर्स करा था, आज भी हम इनवर्स सीखेंगे बट किसी और मेथड से सीखेंगे। तो प्लीज ध्यान से करेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे सारे बच्चे, ठीक है? क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखेंगे। उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग पुराने वाला पार्ट पढ़ के आए होंगे, क्योंकि दैट इज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो प्लीज एक तो मेरे साथ साथ पहले क्वेश्चंस लिखना शुरू करेंगे सारे बच्चे। हेडिंग डाल लीजिए मल्टीप्लिकेशन केसेस। मल्टीप्लिकेशन केसेस पढ़ने वाले हैं अब हम, जिसके अंदर आपको आएगा प्रूफ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। तो पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं छोटे वाले, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन निकाल लूं। क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन आ गया, फाइंड एक्स 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2 0 2 x is equal to capital O। x की वैल्यू निकालनी है by using all these things, ठीक है? You have to use all these things and find the value of a। तो please ध्यान से करेंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल है नहीं। देखिए, सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। इसका ऑर्डर कितना है 1/3 का, इसका ऑर्डर कितना है 3/3 का। तो नया मैट्रिक्स जो आएगा वो आएगा 1/3 का। तो 1 2 1 में लिखता हूं पहले पूरे सॉल्यूशन को, मेरे साथ साथ करेंगे सारे बच्चे। कुछ भी इसमें कॉपी करने वाला ऐसा है नहीं कि मैं आपको रोकूं और समझाऊं। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, मैं आपको पहले बता दूं ये क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी का। देखिए, सबसे पहले जो हम करेंगे इसके अंदर क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर है मिसलेनियस का 7, ठीक है? सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 to 1 मल्टीप्लाई बाय 1 to 1, क्योंकि ऑर्डर तो आपका 1/3 का आएगा इस बार। 1 to 1 मल्टीप्लाई बाय 1 to 1, एक एलिमेंट आ जाएगा आपका, आपका एक एलिमेंट आएगा 1, एलिमेंट आएगा 1 + 4 + 1। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है इसी को इससे, यानी ये हो जाएगा आपका 1 × 2 + 0 + 0, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, इसी को मल्टीप्लाई करना है किससे, लास्ट इससे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फाइनल क्या आ जाएगा, 0 + 2 + 2, और उसके बाद 0 2 x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यही बोला उसने। तो ये हो जाएगा 6 2 4 0 2 x is equal to O। अब मैं इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दिस कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 0 + 2 × 2 + 4 × x दैट इज इक्वल टू 0। यानी भाई साहब, इक्वल टू में अगर 0 आ जाए, ये कंप्लीट पार्ट 4 + 4 x इज इक्वल टू 0, और यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, 4x is equal to minus 4 and x is equal to minus 1। तो इस तरीके से comparison वाले question आप easily solve कर सकते हैं, ठीक है? आप इसे copy कर सकते हो, उसके बाद मैं अगला question कराऊंगा आप लोगों को फटाफट से। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, बट आपको समझना है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ साथ सारे बच्चे। कहता है a इज इक्वल टू 2 − 1 − 1 − 1 2 − 1 1 − 1 एंड 2।
वेरीफाई दैट ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस नाइन ए माइनस फोर आई इज इक्वल टू माइनस फोर लिखना खाली माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो हेंस फाइंड ए इनवर्स ऑल्सो आपको ए इनवर्स भी निकालना है। ध्यान से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपसे नहीं होगा। दिखने में ये लग रहा होगा कि एक तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्यूब वगैरह इतनी सारी टर्म्स निकालनी है, और उसके बावजूद क्या करना है, इनवर्स में निकालना है। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। सुनिए जरा ध्यान से, सबसे पहले आप निकालेंगे ए क्यूब। व्हाट डू यू मीन बाय ए क्यूब? ए क्यूब मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए। ना तो आपके पास ए स्क्वायर है और ना आपके पास ए क्यूब है, पहले तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, बहुत आसान सा पार्ट है ये, कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपसे नहीं हो। ठीक है, देखिए, ए स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए। मेरे साथ साथ करो, टू माइनस वन वन, माइनस वन टू माइनस वन, वन माइनस वन टू। हम टारगेट करेंगे इसको पहले, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। ठीक है, पहले ए लिखा, दोबारा ए लिखेंगे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना अब आपको सीखना पड़ेगा। दिस आपको कैसे सिखाया जाता था, दिस कंप्लीट पार्ट मल्टीप्लाई बाय दिस, तो वैल्यू आएगी 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। डायरेक्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दिस कंप्लीट पार्ट मल्टीप्लाई बाय दिस, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 1। देखिए क्या हुआ, ये माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 है ना, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद बारी आएगी इसकी, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5। ठीक है, उसके बाद बारी आएगी किसकी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो ये आपके जो एलिमेंट्स आ जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सारे एलिमेंट्स, माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6, ये मेरा आ गया ए स्क्वायर जो मुझे निकालना। ठीक है, अब मेरी बारी है a क्यूब की, क्योंकि मेरा टारगेट a क्यूब है, a क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू a। पहले मैं लिखूंगा a स्क्वायर की वैल्यू है 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय a, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। अब इसे करना मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करता हूं मैं इसको, ए क्यूब मेरा आ जाएगा दोबारा मल्टीप्लाई करके, ये मेरा ए क्यूब होगा 22 माइनस 21 21। मैं मल्टीप्लीकेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आप कर चुके हो, नॉर्मल तरीके की मल्टीप्लीकेशन है। माइनस 21 22 एंड माइनस 21। ठीक है, उसके बाद 21 माइनस 21 एंड 22। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अभी देखिए आगे क्या करेंगे, ए क्यूब निकल गया, हमें जो प्रूफ करना था क्वेश्चन के अंदर वो टर्म थी ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस नाइन ए माइनस फोर इज इक्वल टू ओ, यानी जीरो। सबसे पहले ए क्यूब आपके पास अवेलेबल है, 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 एंड 22 माइनस 6। ए स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं भाई, ए स्क्वायर आपने अभी निकाला था, ए स्क्वायर निकला 6 माइनस 5 5 6 माइनस 5 5 उसके बाद माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6।
अब 9a की वैल्यू, a आपको दिया हुआ था 2 -1 1 -1 2 एंड -1, उसके बाद 1 -1 2 -4 = O, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। O मतलब नल मैट्रिक्स, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सिर्फ वैल्यू डाली, अब कैलकुलेट करते हैं। ये ऐसे ही रहेगा, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी मेरे साथ साथ करते रहोगे। सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। -36 -30 -30 -30 -30 and 36 plus 18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 and 18 और -4 तो रह गया मेरा, -4 ऐसे कैसा। देखिए -22 -36 plus 18, ठीक है। देखिए इसको मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से प्लस और माइनस करूंगा और कुछ भी नहीं करना है मुझे, नॉर्मल तरीके से। भाई मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप लोगों को अलाउ नहीं है, आप लोग अपना पूरा प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करेंगे। -22 -36 plus 18 -40। ये मुझे गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा, वैल्यूज में प्रॉब्लम लग रही है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, और उसके बाद था 4i, -22 -36 -58 plus 18 ये -22 नहीं है, +22 है ये, मैं यही कहूँ, ये कैसे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, 22 -36 plus 18 that is equal to 4। उसके बाद -21 plus 30 9, और ये 9 0, ये भी 0, ये 0 4 0 0 0 4 आएगा। अब ये प्रॉब्लम आ गई इस 4 के साथ, इस 4 के साथ क्या किया जाए, प्रॉब्लम ये आ गई इस 4 के साथ क्या किया जाए, हम इसका कोई इलाज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है 4 बिना किसी मैट्रिक्स के साथ सॉल्व नहीं हो सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है। 4 को हम 4 × 1 लिख सकते हैं और 1 को हम लिख सकते हैं आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लिखेंगे, देखिए क्या, -4 आई की वैल्यू डाल देते हैं, (0 1 0 0 0 1) ये हो जाएगा 4 - 4 0 0 0, ये पूरा मेरा आंसर आ गया नल मैट्रिक्स that is equal to capital O। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन वाले को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात आती है a क्यूब के निकालने की, उसने बोला है hence find a inverse। तो आपको क्वेश्चन पहले तो पता होना चाहिए, आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था a क्यूब -6a² + 9a - 4i = 0। 4 यानी 4i को मैंने 4i लिख दिया, कहता है hence find a inverse। मैं बड़ा सिंपल सा इसका अंदर प्रोसेस है, आप कहेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स a इनवर्स। देखिए क्या आ जाएगा, a इनवर्स इज इक्वल टू, इस तरीके से कर देंगे, उसके बाद जीरो यानी ओ, ठीक है, इसको इससे करा ए स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा -6a, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +9, -4i * a inverse = 0। 9 को मैं 9i लिखूंगा, रीजन आपको पता होना चाहिए क्यों,
और इसको मैंने लिखा 4a की पावर माइनस 1। ठीक है, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, सिंपल सा पार्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अगर कुछ होता तो मैं आपको बताता भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू ओ। ठीक है भाई, अब मेरे को ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i इज इक्वल टू 4a रेज़ टू द पावर माइनस 1। Therefore, a raised to the power minus 1 is equal to, therefore, a raised to the power minus 1 is equal to, a raised to the power minus 1 is equal to 1 by 4 a square minus 6a plus 9i, ये हो जाएगा। उसके बाद a की वैल्यू, a square की वैल्यू आप डाल देंगे। देखिए a square की वैल्यू आपके पास क्या है, आपके पास a square की वैल्यू थी 6 माइनस 5 माइनस 5 6 एंड माइनस 5, मैट्रिक्स में 5 माइनस 5 एंड 6, दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस 6 ए। ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 1 1 माइनस 1 4 एंड 9i। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3 बाय 3 लेंगे, क्योंकि ये केस 3 बाय 3 का चल रहा है इसलिए ऑर्डर 3 बाय 3 का लेंगे। बड़ा सिंपल सा इसका फंडा था, उसको आपको अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अब देखिए आगे क्या करूंगा मैं, 1 बाय 4 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 1 6। बेसिक कैलकुलेशन, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 एंड 24 प्लस 9 9 9 0 0 0 0 0 0। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, अब देखिए क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1 बाय 4 6 में से 12 गए माइनस 6, मैट्रिक्स में लिख रहा हूं मैं इसको, 6 में से 12 गए माइनस 6 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू प्लस 3, तो इसको मैंने लिख दिया प्लस 3 माइनस 5 प्लस 6 यानी 1, 1 ही रहेगा 0 तो कुछ नहीं होगा, 5 माइनस 6 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद माइनस 5 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 यानी प्लस 1, 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 1, 6 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 9 लिखना चाहिए था ना मेरे को, दैट इज इक्वल टू 3। उसके बाद माइनस 1 1 3। अब आप ये ब्रैकेट हटा दो, इसका कोई लेना देना नहीं है, दिस इज इक्वल टू योर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को आप इस तरीके से निकाल सकते हो अगर मल्टीप्लीकेशन का केस बोले तो। ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हो, हम आगे कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और करने हैं हमें एनसीईआरटी के, फिर हमारा एक टॉपिक और रह जाएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 निकाल लेंगे सारे बच्चे एक बारी। 13.2 क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, fx is equal to cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 show that fx into fy is equal to f of x plus y। ये हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन सिंपल है बट ध्यान से करोगे तो समझ में आ जाएगा। आपको बोला fx into fy, आपके पास fx है यानी आपको क्या चाहिए, fy चाहिए।
एफ वाई देखिए कैसे निकालते हैं। एफ वाई देखिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ वाई यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या डाल देंगे, वाई डाल देंगे। ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो जीरो वन साइन वाई कॉस वाई जीरो जीरो। इसके बाद देखिए क्या बोलता है, एलएचएस मिल गया ये दोनों, बारी किसकी है आरएचएस की, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स की जगह पे डाल देंगे एक्स प्लस वाई, इस एक्स की जगह पे हम क्या डाल देंगे एक्स प्लस वाई डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, सब जगह हो जाएगा एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो जीरो वन, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है इनमें तो कोई भी वैल्यू नहीं डलेगी, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई और ये जीरो जीरो वन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कर दूंगा मल्टीप्लाई, इसको फर्स्ट नहीं मानता, इसको मानता हूं थर्ड। मल्टीप्लाई करूंगा वन एंड टू, ठीक है मल्टीप्लाई करूंगा वन एंड टू, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, मेरे साथ साथ लिखो इनको, क्वेश्चन आसान है ये, मुश्किल नहीं है बट ठीक है थोड़ा सा देखना पड़ता है और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई देखिए कैसे करेंगे इसको, कॉस एक्स से क्वेश्चन स्टार्ट था ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो जीरो वन जीरो जीरो, उसके बाद है साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल सॉरी 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 इनटू में ये आपका निकल रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, मेरे पास तो जगह नहीं है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू ये पार्ट, ये वाला जो लिख रहा हूं मैं, ठीक है तो ये दोनों मतलब ये दोनों, तो आप क्या करेंगे, आप एक ही लाइन में इसको लिखेंगे, मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए मैंने अलग अलग दो लाइनें बना दी हैं, आप एक ही लाइन में लिखेंगे इसको। y की वैल्यू डालते हैं इसके अंदर, देखिए y की वैल्यू क्या होगी, cos y माइनस साइन y जीरो साइन y cos y जीरो। अब करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे होता है सबको आना चाहिए, एरोप्लेन उड़ेगा एरोप्लेन क्रैश कराना यही करना है हमें हर बार, तो cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, माइनस साइन x इंटू साइन y, और अगले वाला जीरो है उसे मैं लिख भी नहीं रहा हूं। ठीक है, अब बारी किसकी आएगी, दिस पार्ट मल्टीप्लाई बाय दिस पार्ट, इसी के साथ आएगी यही होगा, तो क्या हो जाएगा ये cos x इंटू साइन y माइनस में माइनस cos x into sin y, उसके बाद माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब बारी किसकी आएगी, इसकी, क्योंकि ये पार्ट मल्टीप्लाई होगा इससे, ऐसे ही सिखाया मैंने आपको, तो क्या लिखेंगे cos x इंटू जीरो जीरो माइनस साइन एक्स इंटू जीरो जीरो और जीरो इंटू वन जीरो, तो मैं यहां से जीरो लिख दूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की कोई बात ही नहीं है, अगले वाला सोचेंगे अब, क्या करेंगे, दिस कंप्लीट पार्ट मल्टीप्लाई बाय दिस पार्ट, ऐसे ही करेंगे, तो क्या होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई sin x into cos y plus cos x into sin y और जीरो वाले के साथ तो जीरो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बारी आएगी, ये x लिखा हुआ है, ठीक है बारी आएगी इससे मल्टीप्लाई करने की, दिस कंप्लीट पार्ट मल्टीप्लाई बाय दिस, हम कह सकते हैं कि sin x माइनस sin x into sin y, यार ये y है, ठीक है तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई,
प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। अब किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आना है, ये वन ही आना है। कॉन्स्टेंट से कुछ नहीं होगा, आप करके देख लो, ठीक है। कॉन्स्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था कॉस एक्स प्लस वाई। अगर किसी भी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के लिए, यूट्यूब पर जाएं, पुनीत मैथ सॉरी मैथ्स बाय पुनीत डोगरा डालें और उसके अंदर यूट्यूब पे ट्रिग्नोमेट्री की मेरी वीडियोस डली हुई हैं, उन्हें आप एक बारी देख लीजिए। उससे आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, और बेसिक्स भी दिए हैं उसके अंदर मैंने। इस पूरे में मैंने माइनस को कॉमन लिया, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ये हो जाएगा जीरो जीरो वन, ये जीरो ये जीरो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, और कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी। क्या हो जाएगा ये फाइनली, कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, जीरो जीरो वन साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, अगेन जीरो जीरो और ये वन है ही। अब आप लिख देंगे लास्ट में फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और आप इसे कह देंगे कि ये हो गया आपका hence proof, hence proof, खत्म। ये आपने प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करना है, जल्दी कॉपी कीजिए, किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जनरली बच्चों से नहीं होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन वो बस बेसिक समझना है उसका हमें। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों करने हैं, पहले 18 करेंगे देन 17, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर डालिएगा 18, क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 0 माइनस टैन अल्फा बाय 2, टैन अल्फा बाय 2 एंड 0, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स of order 2, show that I plus A is equal to I minus A cos alpha minus sin alpha and cos alpha, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा बात, सिंपल सा है। सबसे पहले तो पेन के कलर को चेंज करेंगे, ठीक है, उसके बाद करेंगे काम को शुरू। देखिए ए आपको गिवन है, आपको ये प्रूफ करना है, शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इनटू दिस। पहले वैल्यू डाल देते हैं सिंपल, मेरे साथ साथ लिखो, 1001 प्लस ए की वैल्यू डाली, 0 माइनस टैन अल्फा बाय 2, tan alpha by 2 and 0 is equal to 1001 minus a की वैल्यू डाल देते हैं, 0 minus tan alpha by 2 and tan alpha by 2 and 0, tan alpha by 2 and 0, बेसिक वैल्यू डाली और यहां पे लिखा cos alpha minus sin alpha साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ना ऐड कर देते हैं नॉर्मल तरीके से, 1 प्लस 0 1 माइनस टैन अल्फा बाय 2, टैन अल्फा बाय 2
एंड वन, ये हो जाएगा वन माइनस जीरो वन, जीरो ये हो जाएगा प्लस टेन अल्फा बाय टू, नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अभी तो हम, ठीक है, माइनस टेन अल्फा बाय टू एंड जीरो, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ इन्हें ऐड किया और कुछ नहीं करा, अभी इन दोनों को ऐड किया, मल्टीप्लाई में टर्म बची कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ऑब्वियस है आपको जो प्रूफ करना है पार्ट वो ये करना है प्रूफ, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इस वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल तरीके से इसे मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस टैन अल्फा बाय टू इंटू साइन अल्फा, यही होगा, ठीक है, क्या किया है मैंने, मैंने बेसिकली सिंपल सा फंडा अप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करा इससे, तो इसका साइन मेरे को बस चेंज करना था, वो मैंने नहीं करा, माइनस होना था, ठीक है। अब किसकी बारी है, अब बारी है हमारी, इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इससे, ऐसे ही होगा, तो ये हो जाएगा वन इंटू टेन अल्फा बाई टू दैट इज इक्वल टू, अरे यार मैं किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ ध्यान है मेरा, सॉरी, इक्वल्स टू वाले पार्ट को देखिए, ये मल्टीप्लाई होना था इससे, तो बस साइन का फर्क आएगा, ये प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस टैन अल्फा बाय टू इंटू साइन अल्फा। अब बारी किसकी है मल्टीप्लाई होने की, अब बारी आपकी अब कलर चेंज नहीं करूंगा मैं, देखो कॉस अल्फा, ठीक है, इसको पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, पहला एलिमेंट निकाल लिया, दूसरा एलिमेंट निकाल रहे हैं, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टैन अल्फा बाई टू, ऐसे ही होगा, ठीक है, उसके बाद कॉस अल्फा इंटू ये पार्ट, तो मैं माइनस आगे लिख देता हूं, टैन अल्फा बाई टू लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस साइन अल्फा, आगे देखिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे पार्ट से, ऐसे ही होगा ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू टैन अल्फा बाय टू प्लस प्लस कॉस अल्फा। अब देखिए हमारा जो पार्ट है, हमारा जो आंसर है, हमें जो प्रूफ करना है वो ये पार्ट है, हमें जो चीज प्रूफ करनी है वो ये पार्ट है, और ये सिर्फ टैन के अंदर अवेलेबल है, किसमें अवेलेबल है, टैन में, और हाफ एंगल फॉर्मूला, यहाँ पे सारा साइन और कॉस में है लेकिन सिंगल एंगल में, तो पहले उन्हें आप हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद कुछ सोचें। तो देखिए क्या करूंगा मैं, हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है वन माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाय टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय टू प्लस टैन अल्फा बाय टू, ऐसे का ऐसा, साइन अल्फा का टू टैन अल्फा बाय टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय टू। क्या किया मैंने, साइन अल्फा का भी फॉर्मूला लगाया, कॉस अल्फा का भी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, छोटा तरीका करने का इसका, एक मिनट रुक जाओ, इसको मत लिखो, इससे छोटा तरीका बताता हूं क्या करूं। आप ये देखो जो आपकी टर्म्स हैं, ये टर्म और ये टर्म सेम है भाई, कॉस अल्फा tan अल्फा बाई टू साइन अल्फा, tan अल्फा बाई टू साइन अल्फा, ठीक है, तो ये हमारा सेम। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमें पता है ए वन वन एंड ए टू टू दे आर सेम, ए वन वन एंड ए टू टू आर इक्वल, और वैल्यू क्या है, साइन अल्फा tan अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा, तो एक को सॉल्व कर लो किसी भी, ठीक है, सिंपल सा तरीका, साइन अल्फा यानी टू टैन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है, इनटू में टैन अल्फा बाई टू प्लस वन माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू, एलसीएम ले लूंगा मैं इनका, एलसीएम इज वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ऊपर ही आ जाएगा न्यूमरेटर में, टू टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस वन माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू, क्योंकि इस टर्म में और इस टर्म में एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो
तो ये हो जाएगा मेरा दो में से एक गए, क्या बचेगा एक प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय टू। सर ये मेरा आंसर आ गया वन, यानी आप कह सकते हो ए वन वन और ए टू टू इज वन। ठीक है, और मैं आपको दिखा दूं एक चीज, ए वन वन और ए टू टू इन्होंने वन बोला है, यही आना चाहिए था हमारा, ए वन वन ए टू टू सेम आना चाहिए था। ठीक है, वन आना चाहिए था और ऊपर से। अब ए वन टू, ये वाला ए वन टू एंड ए टू वन आर सेम बट डिफरेंट इन साइन, साइन डिफरेंट है उनके, कॉस अल्फा टैन अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा टैन अल्फा बाई टू बट माइनस, साइन नेगेटिव है साइन पॉजिटिव है। इन दोनों में से एक को सॉल्व कर देंगे, हम लिखेंगे सीधा, हम लिखेंगे ए वन टू, सिंस ए वन टू इज इक्वल टू ए टू वन माइनस में, ऐसे लिख देना और सॉल्व कर देना किसी भी एक पार्ट को, सॉल्व ए वन टू ऐसे लिखकर। ऐसे नहीं करना कि यहां पर आप इनकी वैल्यू डाल दो, वो गलत हो जाएगा क्योंकि इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है बट नेगेटिव साइन में, तो किसकी रखें ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो भी आप रखेंगे पहले उसको लिखेंगे, ए वन टू को सॉल्व कर रहा हूं मैं, ए वन टू की वैल्यू मेरे पास है माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टैन अल्फा बाई टू, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टैन अल्फा बाई टू। इसमें भी आपको वही करना है कि आपको वैल्यू डालनी है, कैसे माइनस साइन अल्फा को सॉल्व कर देते हैं, माइनस टू टैन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा वन माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू में टैन अल्फा बाई टू। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में लिखना, ऐसे नहीं लिखना। अब इन दोनों का दोबारा से एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम आएगा वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टू टैन अल्फा बाई टू प्लस वन माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू में टैन अल्फा बाई टू। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, ये माइनस है सॉरी, तो यहाँ पे माइनस। अब मैं क्या करूंगा, ये कॉमन निकाल लूंगा, आपको पता होना चाहिए कि ये कॉमन आ रहा है, ये पार्ट जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैं इसे कॉमन निकालूंगा। देखिए मैं कॉमन क्या आएगा, मेरा पार्ट, मेरा पार्ट आ जाएगा कॉमन, टैन अल्फा बाई टू इज कॉमन, माइनस टू प्लस वन माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू, वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा टैन अल्फा बाई टू माइनस वन माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइड बाय वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई टू। मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना, क्योंकि आसान है ये, करना कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगाओ सिंप्लीफाई करते रहो बस, और कुछ नहीं है उससे ऊपर। अब इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल लो, माइनस टैन अल्फा बाय टू, और ये हो जाएगा वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय टू। ये कट गया, मेरा आंसर आ गया माइनस टैन अल्फा बाय टू। तो एक क्वेश्चन और करना है हमें, बस पांच मिनट का रह गया। तो ए वन टू इज इक्वल टू माइनस टैन अल्फा बाय टू एंड ए टू वन इज प्लस टैन अल्फा बाय टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस केस में, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा, देयरफॉर आरएचएस लिखूंगा मैं डायरेक्ट, देयरफॉर आरएचएस इज इक्वल टू ए वन वन की वैल्यू वन थी, ए वन टू की वैल्यू ये रही, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिखने में मुश्किल लगता है बट एक्चुअली में करने में बहुत आसान है। करना क्या है आपको, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर अप्लाई करना है कि कॉस अल्फा और साइन अल्फा की जगह पर टैन अल्फा बाई टू वाला फॉर्मूला लगा दो। उसके पीछे भी रीजन है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, हमें रीजन पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी भी सूरत में ना तो साइन चाहिए ना कॉस चाहिए बट टैन जरूर चाहिए, तो वो टैन लाने की वजह से हमें ऐसा काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर सकते हो, अगला क्वेश्चन करेंगे हम फटाफट से, कॉपी करेंगे सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कराऊंगा मैं, करा तो वैसे मेरे साथ साथ ही हुआ तुमने, लेकिन कुछ रह गया हो तो देख लो एक बार छोटा सा ना। जल्दी कॉपी करो, एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा। अगली क्लास में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है, देखेंगे अगर टाइम बचा तो उसके बाद एक मार्क्स वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे।
एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 17 निकाल लीजिए एक बारी सारे बच्चे। देखिए, वेल सेड क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए इज इक्वल टू थ्री माइनस टू, फोर माइनस टू एंड आई इज इक्वल टू 1001। फाइंड के। सो दैट ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस टू आई इज इक्वल टू जीरो, ये आपको करना है। ध्यान से सुनेगा, दैट इज सिंपल पार्ट, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ए स्क्वायर, पहले तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर निकालने का हमने तरीका मल्टीप्लाई में पढ़ा ही था, 3 माइनस टू फोर माइनस टू, 3 माइनस टू फोर माइनस टू, मल्टीप्लाई किया मैंने इनको, मेरे साथ साथ करो, नकली क्वेश्चन है। 3 3 9 माइनस 8, 4 उसके बाद माइनस 6 प्लस 4, 3 2 6 माइनस 6 और प्लस 4, 12 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये आ गया ए स्क्वायर। अब मुझे चाहिए इज इक्वल टू ए, हाँ तो वो माइनस आगे जीरो हो जाता ना, ठीक है ठीक है, वो भी ठीक था, ठीक है मैं दोनों पार्ट को इधर ले आया, एक ही बात है। अब निकालता हूं के ए, के की वैल्यू निकालनी है हमें इसके अंदर, 3k माइनस 2k 4k माइनस 2, ठीक है 2i, सारी चीजें निकल गई। हमारा पार्ट क्या था, हमारे को प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस टू आई, सॉरी प्लस टू आई। तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, ऊपर जो मैंने लिखा है ये प्लस टू आई कर लीजिए, ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू डालिए, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 माइनस टू 4 माइनस 4, 1 माइनस टू 4 माइनस 4, ये है ना भाई, हाँ माइनस के ए माइनस 3k माइनस 2k 4k माइनस 2, आई की वैल्यू 100 हो 11, ये 00 इज इक्वल टू ओ, हमें इस k की वैल्यू निकालनी है, हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस 3k प्लस 2, ये तो 2 था ना हमारा, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3k माइनस 2 0 और प्लस 2k यानी माइनस 2 प्लस 2k, ठीक है 4 प्लस 0 4 माइनस 4k और माइनस 4 प्लस 2 यानी माइनस 2 प्लस 2k, ये 0 है शायद, k में कुछ भी नहीं है ना, के में ये कांस्टेंट है, के ए था ना, ये भी के होना था, तो ये भी के रहेगा, माइनस फोर प्लस टू, माइनस टू प्लस टू के, ठीक है माइनस टू प्लस टू के इज इक्वल टू ओ, ओ मतलब जिसके सारे एलिमेंट जीरो, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे के इक्वल रख लो, के की वैल्यू आपकी आ जाएगी, k की वैल्यू आपकी आ गई 1, किसी से भी करके देख लो आपका k का आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे, ठीक है आप इसे कॉपी कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, आपसे बात करेंगे आगे की, आगे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, कोई छुट्टी नहीं करना, दिक्कत हो जाएगी, समझ में कुछ नहीं आएगा, पहले बोल दो, ठीक है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टाटा।